जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए जानते हैं कब है फाल्गुन माह की पूर्णिमा, जानिए सही तिथि, पूजा विधि एवं महत्व। पूर्णिमा का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस साल यह 25 मार्च को पड़ रही है। मान्यताओं के अनुसार भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक इस दिन का व्रत सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, उन्हें समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन के व्रत को लेकर कई सारे नियम बनाए गए, जिनके पालन हेतु बहुत जरूरी है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा बहुत ही विशेष मानी गई है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा 25 मार्च को पड़ रही है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा बहुत ही विशेष मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा का व्रत रखने से अनगिनत आशीर्वाद मिलते हैं और जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। इसी वजह से लोगों को इस दिन का व्रत रखने की सलाह दी जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा 25 मार्च 2024 को पड़ रही है। आइए जानते हैं इस दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा 24 मार्च 2024 दिन रविवार सुबह 9:54 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 25 मार्च 2024 दिन सोमवार दोपहर 12:29 पर होगा। बता दें 25 मार्च के दिन इस दिन का उपवास और पूजा होगी। फाल्गुन पूर्णिमा की पूजा विधि। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर पवित्र स्नान करें। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। पवित्र स्नान के बाद दान, व्रत और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लें। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। धनिया की पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान सत्यनारायण का कथा का पाठ करें। जल में सफेद फूल, दूध और चावल मिलाकर अर्घ दें। इस दिन दान और पुण्य अवश्य करें। तामसिक चीजों के सेवन से बचें। गरीबों की मदद करें। धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए जाएं। भगवान विष्णु के मंत्र करें जाप।